नीमच मंदसौर बाढ़ पीड़ितों के लिए इंदौर से दो ट्रक राहत सामग्री भेजी गई है। मंत्री तुलसी सिलावट और मुख्य सचिव एसआर मोहंती ने हरी झंडी दिखाकर ट्रकों को रवाना किया। देखिए एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में भारी बारिश ने ऐसा कहर बरपाया है कि कई गांव टापू बन गए हैं। नीमच मंदसौर में आए जल प्रलय से कई लोग बेघर हो गए, वहीं हजारों हेक्टेयर फसल सैलाब में बह गई, सड़कें नदियां बन गई और सड़क पर गाड़ियों की बजाय नाव चलने लगी। वहीं बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद के लिए भी हाथ बढ़ने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट, मुख्य सचिव एसआर मोहंती, संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी ने इंदौर से करीब दो ट्रक राहत सामग्री रवाना की। फाइनली मैं सिर्फ मंदसौर और नीमच के बारे में, जो आप लोगों का इंटरेस्ट था उसके बारे में सिर्फ दो मिनट में बता देना चाहता हूं। मंदसौर में पांच तहसील के करीब 955 विलेजेस हेवी रेन से इफेक्ट हुए थे। उसमें 52 विलेजेस गांधी सागर बैकवाटर से इफेक्ट हुए थे। करीब 21,000 लोगों को 15 तारीख से, यानी कि कल से ही, रिलीफ कैंप ऑलरेडी चल रहे थे और अब करीब 16 तारीख को करीब 15,000 लोगों के लिए 117 जगह पर रिलीफ कैंप चल रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे पानी कम हो रहा है लोग अपने अपने घरों में वापस जा रहे हैं। तो आज के दिन में 21,000 से घट के करीब 15,000 लोग रिलीफ कैंप्स में हैं, जहाँ पे उनको रहने का और खाने का और सारी व्यवस्था गवर्नमेंट कर रही है। और इसमें बहुत सारे सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज वगैरह ने भी इसमें हाथ बटाया है, जिसके लिए वो अननोन लोग हैं जो जिन्होंने इसमें हाथ बटाया, उनको हम शासन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और दूसरे लोगों को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी इस चीज में आगे आए। जैसे कि आपने देखा अभी दो ट्रक ड्राई राशन और मेडिसिन मंदसौर और नीमच के लिए भी रवाना किया गया है। इस दौरान मंत्री सिलावट ने कहा कि सरकार मदद के लिए कटिबद्ध है और बाढ़ से हुई तबाही को लेकर सरकार गंभीर है। मध्य प्रदेश की सरकार वचनबद्ध है, कटिबद्ध है कि राहत राशि जो जो किसान, जो अन्नदाता मध्य प्रदेश का, जो अतिवृष्टि हुई है वर्षा के रूप में, इसको सरकार पूरी गंभीरता से ले रही है। हर मंत्री जा रहे हैं, प्रभारी मंत्री जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, मुख्य सचिव इसी बात की यहाँ पर लेने बैठक लेने आए थे। आप निश्चिंत रहें, अन्नदाताओं के साथ राहत राशि सामग्री एक प्रतीक है, जो जो भी जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ेगी हम हर जिले में भेजते रहेंगे, कमी नहीं आने देंगे, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। वहीं एमपी न्यूज भी एमपी के लोगों से अपील करता है कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आएं और जरूरत की सामग्री दान करें। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।